यहाँ से मेरा घर कम से कम 45 किलोमीटर के आसपास है और बैटरी बची 50 किलोमीटर। तो जो लोग भी आपको चूतिया बनाते हैं कि टोटल मिला के रेंज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। मेरे हिसाब से भाई नॉर्मल मोड बेस्ट निकल कर आता है स्पोर्ट हाइपर और इको से भी, बिकॉज भाई इको मोड हमेशा आपके रिजर्व में रहना चाहिए। 10-20 किलोमीटर और ज्यादा मिल जाती तो अच्छी बात रहती भाई। अब ऑफ हो गया है, इसको चार्जिंग पे लगा देंगे और भाई इतना ड्राइव होने का स्कूटर को बिल्कुल ना चलाए। Hey guys, welcome back again. This is Anuj और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग। तो आज देख सकते हो भाई हम कितनी सुपर जगह आए हैं और यहाँ पर अब जो ओला S1 Pro Gen 2 है हमारी उसका रेंट टेस्ट करने वाले हैं। और अब यहाँ पर हम जो डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं भाई वो है मूर्तिजापुर, जो कि मेरे अमरावती से 60 किलोमीटर है। तो इसका पूरा रेंट टेस्ट हम कर लेंगे, जो कि जाना आना 120 किलोमीटर हो जाएगा भाई, और आते आते हमारे साथ में पिलियन रहने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले रेंट टेस्ट को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। खाली 100% चार्ज करने की हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन भाई 98% के ऊपर इसकी चार्जिंग नहीं बढ़ पा रही है, आई डोंट नो क्यू। जो कि आप देख सकते हो निकलते से चार्जर 1% ड्रॉप हुआ है, तो 2580 किलोमीटर यहाँ पर ऑल टाइम है। अब इसका जो नॉर्मल मोड का रेंज टेस्ट है भाई वो मैं आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हो 1155 अभी यहाँ पर हो गए और ऑल टाइम स्कूटर 2580 है, बैटरी 98% है। तो आप देख सकते हो अभी घर से ही हम लोग जस्ट नाउ यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं एक्जैक्टली जैसा हम रेगुलर लाइफ में चलाते हैं वैसा ही स्कूटर को चलाऊंगा और वैसा ही रेंज टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। क्योंकि भाई S1 Air का भी जब मैंने रेंज टेस्ट किया था तो कई सारे लोगों का बोलना था रेंज इतनी कम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी रेंज ये स्कूटर देता ही नहीं है, ज़्यादा देता है। जो कि भाई बात में कई सारे लोगों को ये समझ गया था कि इन रियल लाइफ में वैसी रेंज मिलती है, बिकॉज भाई जो कंपनी बोल रही है उस पे मत जाइए और उतनी रेंज आपको सही में नहीं मिल पाती जो कंपनी आपको बोलती है। ओके, तो ये याद रखिए इन रियल लाइफ स्कूटर की जो परफॉर्मेंस है वो अलग होती है और रेंज भी जो है वो आपको अलग देखने के लिए मिलती है। तो भाई अभी अपन थोड़ी देर 10-15 किलोमीटर स्कूटर को राइड कर लेंगे, उसके बाद में आपको मैं थोड़ी देर में मिल जाता हूँ। 10 किलोमीटर अब होने आए हैं, 85% यहाँ पर बैटरी है, 2580 पे हम निकले थे, 14 किलोमीटर हम चल चुके हैं, जो कि बैटरी 98% ही भाई। तो इट मीन्स अगर देखा जाए तो 80 पे मैं निकला था, 14 किलोमीटर हम चल चुके हैं और एवरेज स्पीड आप देख सकते हो 40 है भाई, और 40 से 60 के बीच में कंटिन्यू मेरी स्पीड मेंटेन है। तो नॉर्मल मोड अभी भी 100 चलेगा ऐसा इसका बताना है, और बैटरी का जो टेम्परेचर पूरी तरीके से सेफ है भाई, 29 सेल्सियस है, जो कि अभी ठंडी के दिन है तो कोई इशू नहीं है। तो अभी तो भाई मैं सिंगल चल रहा हूँ तो उस हिसाब से एवरेज हमारे सामने निकल कर आता है। तो अब 100 किलोमीटर यहाँ पर भाई 2600 ऑल टाइम है। तो भाई अभी हम टोटली फाइनली यहाँ पर जो मूर्तिजापुर हमें आना था वहाँ पर चुके हैं और अब हमारे साथ में यहाँ पर पिलियन भी रहने वाले। तो अब यहाँ से भाई 50 किलोमीटर जब बच जाए जब आप लोगों से मुलाकात लेता होगे, सो लेट्स कंटिन्यू। नॉर्मल मोड ऑन है, जहाँ जरूरत जैसी गिरेगी वहीं वैसे चला रहो भाई, अदरवाइज कुछ नहीं, फुल ऑथेंटिक और जीनियन चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिससे कि भाई आप इसकी रेंज एग्जैक्ट कितनी है, कहाँ आपको कितनी मिल जाएगी, ये जानने में बहुत बढ़िया आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन रियल लाइफ वीडियो है भाई जो आप लोगों के लिए कोई नहीं लेकर आता। अब भाई यहाँ से आपको मैं सीधा 25 किलोमीटर के आसपास मिलता हूँ, जहाँ पे हमारी जो बैटरी है लो बैटरी का सिग्नल दी जाती है। यहाँ से मेरा घर कम से कम 45 किलोमीटर के आसपास है और बैटरी बची 50 किलोमीटर है, तो गनीमत है कि अगर घर पहुंच जाए हम या नहीं, बिकॉज अब पिलियन है भाई तो अब डर लग रहा है, सिंगल होती तो पहुंच जाता आराम से मैं। ओके, अब ऑल टाइम यहाँ पर देखो भाई 2640 है, जो कि अब हाईवे पे है। सो लेट्स कंटिन्यू। लो बैटरी जब होती है जब भी हम आपको अब मिलते हैं। तो भाई साहब आप देख सकते हो बैटरी का शायद इसका इंडिकेशन जो है भाई 21 वगैरह के पास आता है, लेकिन अभी डायरेक्टली सडनली जैसा मैं आपको बता रहा था लो बैटरी पे रुका दूंगा, तो लो बैटरी का ऑप्शन तो नहीं आया, लेकिन इको जस्ट नाउ अभी लग गया है। ओके, तो इको मोड अभी यहाँ से लग गया है भाई। तो जो लोग भी आपको चूतिया बनाते हैं कि टोटल मिला के रेंज होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ से मोड चेंज हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ इको मोड लिखा गया है। ओके, जो एयर के भी रेंज टेस्ट में मैंने कहा था कि नॉर्मल मोड की रेंज टेस्ट, नॉर्मल मोड जब तक दिखा रहा है जब तक ही आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्योंकि भाई कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाएगा ना। अब ये नॉर्मल मोड कहाँ से रहा मुझे बताइए, इसकी स्पीड 40 हो जाती है, उसके बाद परफॉर्मेंस पूरा डाउनग्रेड हो जाता है और उसकी रेंज भी पूरी तरीके से अलग निकल कर आती है। तो अभी भी मेरे पास बैटरी 23 किलोमीटर की है, बट अगर आपको भाई रियलिस्टिक बात बताऊं याद रहने के लिए कि नॉर्मल मोड आपका इतना ही चलेगा, तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करिए, बिकॉज भाई इको मोड हमेशा आपके रिजर्व में रहना चाहिए। तो अब अगर आप देखें भाई तो यहां पर जो है हमारी 15% बैटरी रह चुकी है और घर मेरा यहां से कम से कम 15 किलोमीटर है, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास, तो स्कूटर हमें यहां पर पहुंचा पाता है या नहीं, बिकॉज यहां से जो है रेंज बहुत जल्दी गिरने लग जाती है। ओके, तो अब देख लेंगे विद पिलियन है हम पूरा ड्राइव होने तक इसको चला लेंगे। 15% बैटरी है, 2664 यहां पर ऑल टाइम हो चुके हैं। ऐसे इको मोड है भाई बहुत ज्यादा बोरिंग टेस्ट लगता है ये मुझे, बहुत ही ज्यादा भाई। तो मेरे हिसाब से भाई नॉर्मल मोड बेस्ट निकल कर आता है स्पोर्ट हाइपर और इको से भी, बिकॉज उसमें आपको सफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलती है, सफिशिएंट रेंज मिल जाती है और आपको अच्छा खासा जो भी मिक्स मोड का मजा है वो भी मिल जाता है। ओके, तो जब से मैं पिलियन लेके बैठा हूँ भाई, जब से मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत रेन ड्रॉप तो हुआ है, बिकॉज बॉडी वेट जो है भाई अभी जैसा मैं 70 kg के आसपास हूँ, तो जो पिलियन है वो भी 62-65 kg के आसपास है, तो ऑब्वियस बात है ये ईवी स्कूटर है, डबल का वेट जब हो जाता है तो इसका रेंज तो थोड़ा बहुत तो ड्रॉप हो गई, लेकिन हाईवे है तो कम दिक्कत देखने मिली है। आप देख सकते हो मैंने डार्क मोड कर दिया है और बैटरी बस भाई 4 ही किलोमीटर बची है, जो कि भाई घर मेरा यहाँ से करीबन राइट एग्जैक्टली 5 या 6 किलोमीटर है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ भाई बस ये एग्जैक्ट चल पाती है या नहीं। 6:45 भाई, तो कितना ज़्यादा टाइम इसमें देना पड़ता है भाई, और आप लोगों को बस एक थम्सअप का बटन दबाना होता है। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि एक लाइक तो बनता है। तो अभी देख लेते भाई 4 किलोमीटर बचे हैं, स्कूटर घर पे पहुंचा पाता है या नहीं। मैं तो भाई सेटिस्फाई हूँ इस रेंज से अगर मुझे मिलती है तो, क्योंकि भाई डिपेंड करेगा ना अपनी रिक्वायरमेंट पे। तो अभी देख सकते हो भाई बस 2 ही किलोमीटर बचे हुए हैं और जो मेरा घर है यहाँ से मैं सब 3-4 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है।
सो भाई साहब फाइनली हम घर पे आ चुके भाई, स्कूटर चालू है, बहुत बड़ी बात है। तो फटाक से आप लोगों को दिखा देता हूँ, 2681 यहाँ पर ऑल टाइम हो चुके भाई, जो कि 2580 पे हम स्कूटर लेके घर से निकले थे, जो कि मैंने अगेन आपको कहा था इन रियल लाइफ नॉर्मल मोड में हम जैसा हम स्कूटर को चलाते हैं वैसा हम चला लेंगे। तो पूरी तरीके से 103 किलोमीटर यहाँ पर हमें टोटल रेंज देखने मिल गई है। तो मेरे हिसाब से भाई ये बुरी नहीं है, बट 10-20 किलोमीटर और ज़्यादा मिल जाती तो अच्छी बात रहती, क्योंकि ये हाईवे पर ज़्यादा चला है स्कूटर, और इन सिटी में अगर चलाओ तो थोड़ा ब्रेक ज़्यादा लगने से ये और कम हो जाती है भाई साहब। बाकी भाई आप क्रूज कंट्रोल वगैरह करके और भी अच्छे से निकाल सकते हो, उसके बाद में पिलियन नहीं है तो और भी अच्छे से निकाल सकते हो, और 40-50 मेंटेन रखो तो ये आराम से आपको जो बता रही है भाई वो रेंज दे देगी। ओके, तो मेरे हिसाब से तो भाई जैसा मैंने इन रियल लाइफ आपको बताया था, जहाज जैसी जरूरत है वैसा चला लिया है, जो कि ज्यादा तो भगाया नहीं है भाई, जहाँ नीड गिरती है बस जनरली। ओके, अभी ये स्कूटर बंद हो गया है भाई, इसको आप चार्जिंग पे लगा लेंगे भाई साहब। ओके, तो पूरी तरीके से भाई अब ऑफ हो गया है, इसको चार्जिंग पे लगा देंगे, और भाई इतना ड्राई होने तक स्कूटर को बिल्कुल ना चलाए, तो मिक्स मोड को चलाइए, नॉर्मल मोड मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, और रेंज बुरी नहीं है, आफ्टर मोएस 4 अपडेट शायद थोड़ी इंप्रूव भी हो जाए भाई साहब। ओके, सो प्लीज यार काफी मेहनत लगी है, पूरा दिन इसमें चला गया, आप देख सकते हो 12 से सीधा शाम हो चुकी है। बाकी भाई स्कूटर बहुत कंफर्टेबल है, 2600 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, नो डाउट ये बहुत लकी पर्सन है जो अनिश भाई थे अपने। ओके भाई, स्कूटर 120 किलोमीटर के आसपास मेरा आज रन हो गया, स्कूटर से मुझे कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिली, कोई ब्रेक मैंने लिया नहीं, लेकिन स्कूटर सही में कोई हीटिंग इशू नहीं देखने मिली, एक बार भी बंद नहीं भाई, एक बार भी पार्क मोड का इशू नहीं, बेल का नॉइस मुझे बहुत इरिटेटिंग किया है, बाकी स्कूटर में कोई इशू नहीं है भाई साहब। ओके, स्पोर्ट मोड का रेंटेस्ट देखना चाहते हो कि वो भी बता दीजिएगा भाई। तो भाई अपने चैनल पर अभी जो रेंटेस्ट है प्रॉपर कर लिया है भाई हमने, जो कि स्पेशली पूरा टाइम देकर इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने समझा के दिखाया, और इसमें अगर कुछ गलती हो जाए भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो कोई भी आपका सवाल, और स्कूटर को हम अच्छा खासा आप टेस्ट कर रहे हैं, आप देख भी रहोगे, और इसका ऑलरेडी रिव्यू तो हमने डाला ही है, जो कि 2600 किलोमीटर डन है। ओके, सो भाई मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी ऐसे लकी कस्टमर होकर बताइए जिनका जेन 2 बहुत बढ़िया चल रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।